हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। हम आते हैं डिस्कशन जेई मेंस वाला डीटीएस 7, इसमें फिजिक्स का जो तीसरा पेपर है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 30 एम्पीयर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ दिस। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो, एक वायर है, उसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और इसी के पैरेलल एक आपने ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड B1 लगाया हुआ है, ठीक है। फिर इससे r डिस्टेंस पे आपको नेट फील्ड बताना है। तो देखो, वायर अपना खुद का फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा, अंदर की तरफ, है ना। अब ये अंदर या बाहर डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे, लेकिन ये दोनों जो फील्ड आएंगे वो क्या आएंगे बेटा, परपेंडिकुलर आएंगे। इसको मैं B2 मान लेता हूं, तो B1² + B2² ये हो जाएगा मेरे पास नेट फील्ड। अब यहां पे सारी मेहनत हमें क्या करनी है, B2 निकालना है। B1 तो ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है आपको, 4 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब B2 कैसे निकालोगे, B2 के लिए देखो आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। मे नॉट इनफाइनाइट वायर है ना, तो इनफाइनाइट वायर के लिए कितना हो जाएगा, मे नॉट I/2πr, मे नॉट 4π × 10⁻⁷। I की वैल्यू डालो यहाँ पे, I की वैल्यू कितना गिवन है, 30 एम्पीयर। फिर उसके बाद 2πr कितना गिवन है, r गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर अभी, तो 2 × 10⁻²। तो सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 3 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब 3 और 4, तो यहाँ पे आप लिखो 4² + 3² × 10⁻⁴, तो रूट से बाहर आ जाएगा दोनों में, इसलिए तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। योर आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ओके बच्चों, अगले पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक इस तरह का सिस्टम गिवन है और आपको नेट फील्ड पूछा है पी पॉइंट पे। तो देखो, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, वायर की नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले देखते हैं ये जो फर्स्ट सेक्शन है, इसकी वजह से फील्ड किधर आएगा। देखो, करंट यू है ना, ऐसे बाहर आएगा फील्ड, तो फर्स्ट सेक्शन का फील्ड कितना आएगा, B1, ये आ जाएगा मे नॉट I/4πr। सेमी इनफाइनाइट वाला केस बन गया है, तो है ना, फील्ड की डायरेक्शन डॉट लगा दो। B2 देखो, इसमें करंट ऐसे ना, इसका फील्ड भी इधर ही आएगा बाहर, तो B2 हो जाएगा मेरे पास मे नॉट I/2r। ये तो पूरी कॉइल की वजह से होता है, ये 1/4 हिस्सा है, तो इसका कितना आ जाएगा डॉट। फिर B3 भी सेम आएगा, मे नॉट I/4πr, ये भी सेमी इनफाइनाइट वाला केस है। देखो, B3 कहां से कहां तक है बेटा, यहां से यहां तक का वायर जो है ना वो B3 है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी आ जाएगा। अब उसका देखो, B4 और B6 कितना आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि सेंटर जो है वो इस 4 वायर के भी वायर के लेंथ के लोंगे, इधर इस 6 वायर के लिए भी वायर के लेंथ के लोंगे, और 5 वायर का कितना आ जाएगा, 5th वाला जो है 1/4 क्वार्टर जो वायर है सर्कुलर वाला, इसका आ जाएगा मिनट I/2r। लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, क्रॉस, क्योंकि देखो इसमें करंट यू जा रहा है ना, करंट यू जा रहा है, करंट ऐसे है, मतलब क्रॉस आएगा अंदर की तरफ, तो क्रॉस अंदर की तरफ, इसका मतलब अब देखो यहां टोटल ऐड करो तो डॉट, ये डॉट वाले से B2 वाले से कौन कैंसिल होगा बेटा, B5 कैंसिल होगा, B4, B6 ऑलरेडी 0 है, तो बचा कौन, B1, B3, μ0 / 4πr + μ0 / 4πr, कितना आ गया, μ0 / 2πr। ये आपका थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ। फिर उसका थर्ड क्वेश्चन में आपसे एक प्रोटॉन भी उन्होंने एंटर करवाया और आपसे पूछा है कि कितना डिफ्लेक्शन आएगा। चलो, यहां पे अगर सेंटर इस तरफ हो, थीटा एंगल ये बन रहा हो, तो ये डिस्टेंस d मान लेते हैं और ये रेडियस r मान लेते हैं, तो इस ट्राइंगल के लिए जितना यहां एंगल बनेगा उतना यहां भी बनेगा सेंटर पे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, d/r। r का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो r का फॉर्मूला होता है मेरे पास mv/qv। m कितना, चलो यहां पे मोमेंटम की बात नहीं करी, यहां पे उन्होंने क्या बात करी, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 500 kV। तो मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं अपन, मोमेंटम क्यूवी, इसको मैं लिख सकता हूं √2 Km/qv। ओके, और यहां k की जगह मैं क्या लिखूंगा, √2 Q∆V m/qv। ये मेरे पास r की वैल्यू, इस r की वैल्यू को मैं यहां डालता हूं, तो इसमें देखो एक q से q कट जाएगा ना, तो ये q तो मेरे पास √2 Km, तो रूट में ये रूट के बाहर रहेगा, तो √2 Km/qv। ओके,
तो यहाँ k की जगह आपने लिख दिया इतना और ये रूट से बाहर आ जाएगी क्वांटिटी, तो ये हमारे पास आ गया रेडियस, है ना। अभी रेडियस की वैल्यू को आप थोड़ा सॉल्व करोगे, एक q से q कटेगा तो आ जाएगा 2 डेल्टा v m by q b स्क्वायर, ये आ जाएगी r की वैल्यू। इस r की वैल्यू को आप यहाँ डाल दो बेटा, तो ये आ जाएगा d 2 डेल्टा v by m q b स्क्वायर, ओके। अब इसमें आपको डेटा पुट करना, देखो d कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, डेल्टा v 500 किलो वोल्ट, मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है 1.67 × 10⁻²⁷, q 1.6 × 10⁻¹⁹, और b कितना दिया इन्होंने 0.51 टेस्ला। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे sin थीटा आएगा हाफ, है ना, आ रहा है कैलकुलेशन करने पे, तो अपना आंसर कितना बन जाएगा बेटा, sin थीटा अगर हाफ है तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कंसेप्ट यहां तक था वो मैंने आपको बता दिया, ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट बात है फोर्थ क्वेश्चन बोला है कॉइल इज इन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ l सस्पेंडेड इन पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इन प्लेन ऑफ द कॉइल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो कॉइल है, कौन सी कॉइल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ l है, इसी के प्लेन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90, है ना, परपेंडिकुलर टू दिस। इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन 90, ओके। अब यहां पे एम बी साइन 90 देखो वैल्यू डालते हैं, एम की वैल्यू, एम होता है करंट इनटू एरिया, बी और साइन 90 की वैल्यू 1, आई कितना है बेटा इसमें, आई आपको हाँ, तो इसमें आपको करंट आई जो कि 1 है वो यहां पे आई, ओके, तो यहाँ पे आई करंट गिवन है ना, तो आई करंट की वजह से यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, अब देखो इसमें एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो इसका हाफ बेस हाइट कितनी जाएगी, रूट 3/2 L इनटू बी, ओके। इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो अब इसमें सब कुछ गिवन पैरामीटर, आपको केवल एल निकालना है, एल सॉल्व करने पर कितना आएगा, यह आ जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन 2, फिर ब्रेक रूट में टॉ अपॉन रूट 3 BI, ओके बच्चों। तो ये सिंपल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ में आपको दिया है कि दो परपेंडिकुलर प्लेन है, उनमें जब मैग्नेटिक निडल है उसका डिप एंगल डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, जबकि राइट और ये दोनों प्लेन जो है वो राइट एंगल पे है, तो आपको बताना है कि ट्रू डिप एंगल कितना होगा। देखो हम मान लेते कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में रहा होगा और उसके दो कंपोनेंट, ट्रू डिप एंगल मान लिया डेल्टा है, इसके दो कंपोनेंट ये मान लिया BH और इधर मान लिया BB, ओके। अब दो परपेंडिकुलर प्लेन है तो दो परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे बनाता हूं, ठीक है, तो इन दो परपेंडिकुलर प्लेन के लिए अब मैं मान लेता हूं कि ओरिजिनल जो डिप एंगल था वो तो इसमें था, इधर से इस एंगल को मान लेता हूं कुछ थीटा मान लेता हूं, चलो ठीक है। अब थीटा मान लिया तो यहां जो कंपोनेंट BH था उसका यहां केवल कौन सा कंपोनेंट आएगा, BH cos थीटा, तो BH cos थीटा, और जिसके परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा वो क्या आएगा बेटा, BH sin थीटा। फिर जब BH cos थीटा और BH sin थीटा, अब tan डेल्टा हम कैसे लिखते हैं, यहां पे आप tan डेल्टा जब लिखोगे तो tan डेल्टा कैसे लिखोगे बेटा, डिप एंगल के लिए ये होता है BV / BH, तो यहां tan डेल्टा 1 कितना आ जाएगा, tan डेल्टा 1 आ जाएगा BV। देखो वर्टिकल कंपोनेंट तो तीनों में सेम है अभी, है ना, केवल प्लेन में जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है उनमें वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था ना उसके भी दो कंपोनेंट कर दो परपेंडिकुलर, ठीक है, तो BV अपॉन BH cos थीटा, ओके, tan डेल्टा 1, फिर उसके बाद मेरे पास दूसरा आ जाएगा tan डेल्टा 2 इज BV अपॉन BH cos, या ये cos है तो ये sin थीटा आ जाएगा ना, तो ये जाएगा sin थीटा। तो ये मेरी इक्वेशन 1, 2 और ये इक्वेशन 3। अब इनमें आप कंसेप्ट क्या यूज करोगे कि BH स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता ना, तो यहां पे आप इक्वेशन डाल दो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फोर्थ इक्वेशन। अब यहां से देखो cos थीटा की वैल्यू निकालो, यहां से sin थीटा की वैल्यू निकालो, इन दोनों इक्वेशन में पुट करो, tan थीटा इनवर्स में आएगा ना, तो अपना इक्वेशन जो बनेगी वो cot वाली बन जाएगी, तो इसकी जो फोर्थ ऑप्शन है cot स्क्वायर डेल्टा equals to cot square delta 1 plus cot square delta 2, ये अपना ऑप्शन बन जाएगा इसमें ना, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट सिक्स पे आते हैं, सिक्स में आपको बोला है ए शेल ऑफ
मास 20 केजी ट्रेस्ट एक्सप्लोड इनटू टू फ्रेगमेंट जिनका मास रेशियो 3:2 है ना। अब 3:2 का मास रेशियो रखना है, मतलब एक 8 केजी हो जाएगा, एक 12 केजी हो जाएगा, मास रेशियो में डिवाइड कर दिया है ना। अब ये बोल रहे हैं कि स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव विद वेलोसिटी 6, अगर ये 6 से गया तो ये कुछ b से जाएगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है बेटा, 8 × 6 = 12 × b' प्लस, और ये जीरो भाई, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम सेम होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम जीरो क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पे था ना इसलिए। तो देखो इससे मेरे पास v' कितना आ जाएगा बेटा, v' आ जाएगा मेरे पास 48/12 = 4। क्या पूछा इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रेगमेंट, लार्जर फ्रेगमेंट की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, 1/2 × मास × स्पीड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 16 = 96 जूल। ये इजीली क्वेश्चन हो रहा है अभी, मेरा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा। अगला आता अपने पास 6 के बाद 7, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल ऑफ मास इज दिस इज टेकन एज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो तीन पार्टिकल है ना, 1 ग्राम है ना, 2 ग्राम और 3 ग्राम, इनका जहां भी सेंटर ऑफ मास आ रहा है, मान लो यहां आ रहा होगा, तो मैंने उसी को ओरिजिन मान लिया। फिर बोलते हैं कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्थ पार्टिकल 4 ग्राम, अब 4 ग्राम को मैं यहां कहीं रख रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ठीक है, फोर, ताकि जो तीनों पार्टिकल का, चारों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास हो कहां पे आए, 1, 2, 3 पे आए। तो देखो आरसीएम आप कैसे निकालते हो, m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 m2। अब RCM कहाँ आना चाहिए बेटा, RCM जो है वो 1 ik + 2 jk + 3 kk, ये तो RCM का कोऑर्डिनेट दे दिया। M1 कितना है, M1 एक्चुअली इस ग्रुप को मैं M1 बोल रहा हूँ, तो ये ग्रुप का मास कितना है, 1, 2, 3, 6। R1 कितना है, 0 i + 0 j + 0 k, ओके। फिर उसके बाद M2 कितना दिया आपको, 4, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया बेटा, alpha ik, तो 4 alpha ik + 2 jk + 3 kk डिवाइड बाय, यहां कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 10, एक्चुअली 4+6 लिखना चाहिए मुझे, तो मैं वो लिख देता हूं 4+6 6+4 मतलब, ठीक है। तो टोटल मास कितना आ जाएगा 10, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, इससे अल्फा आ जाएगा आपके पास 10/4 मींस 5/2, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो बिल्कुल इजीली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आराम से हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, 8th क्वेश्चन बोला है, स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r इज कट आउट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, उसमें से आपने रेडियस r की कैविटी काट दी, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग बॉडी फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर। अब ये जो बाद में सिस्टम बचा उसका सॉलिड स्फीयर से कितना दूर सेंटर ऑफ मास होगा, देखो अपन ने प्लस साइड से कोई मास हटाया तो सेंटर ऑफ मास नेगेटिव साइड में शिफ्ट होगा, है ना। अब नेगेटिव साइड में शिफ्ट होगा तो यहां पे तो इन्होंने पोजीशन पूछा है, तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस वैसे नेगेटिव तो होती नहीं है, पर वो माइनस साइन इस बात को शो कर रहा है कि पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, ओके। चलो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें जो पहला मास है इसको मैं दो मास का कॉम्बिनेशन मान लेता हूं सिस्टम को, तो पहला मास तो क्या हो जाएगा मेरे पास पूरा सॉलिड स्फीयर, और दूसरा मास क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इस तरह से ये वाला स्फीयर, है ना। अब इसका जो m1 मास आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, m1 आ जाएगा ρ × 4/3 πr³, और r1 कितना आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, 0, 0, ओके बेटा। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, 0, ये तो मेरा पहला पार्टिकल आया। दूसरा पार्टिकल को सॉल्व करूंगा तो दूसरे पार्टिकल का m2 कितना है, देखो ये r रेडियस का, इसकी नेगेटिव डेंसिटी माननी है, इसकी अगर मैं पॉजिटिव डेंसिटी मानता हूं रो, तो इसकी मुझे नेगेटिव रो माननी, नेगेटिव मास, फिर जब मैं इसको यहां ओवरलैप करूंगा, इसको जब यहां ओवरलैप करूंगा तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा मास जो है वो हट जाएगा, है ना। तो यहां खाली जगह बच जाएगी और ऐसा सिस्टम हमें मिल जाएगा, नेगेटिव मास कांसेप्ट, जब भी किसी सिस्टम में से कोई मास रिमूव करते हैं हमेशा नेगेटिव मास वहां यूज करते हैं। तो m2 कितना हो जाएगा बेटा इसमें, m2 हो जाएगा रो 4/3 πr³ और माइनस डेंसिटी, इसलिए माइनस रो, ओके। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r2, देखो जो पोजीशन यहां शो की गई इसके हिसाब से इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो रहेगी बात केवल x कोऑर्डिनेट पे। अब x कोऑर्डिनेट में से देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी r, उसमें से ये डिस्टेंस कितनी, स्मॉल r, तो इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा r - r, ये मेरे पास आ गया m1 r1 और m2 r2। इसको सॉल्व करेंगे
तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, अब यहाँ पे केवल x कोऑर्डिनेट की बात है तो मैं x कोऑर्डिनेट ही लिख देता हूँ, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 plus m2। xcm निकालना है तो xcm के लिए m1 कितना मेरे पास, रो 4/3 pi r³ 0 प्लस माइनस रो, ओके इसको मिटाते हैं, 4/3 pi r³ और इसका कोऑर्डिनेट कितना था बेटा, r - r अपॉन रो 4/3 pi r³ माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस रो 4/3 pi r³। ओके तो इससे हमारे पास सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये माइनस रो 4/3 pi r³ r माइनस r, इधर से रो 4/3 pi कॉमन लो r³ - r³, ये देखो ये पूरा कट रहा है ना। अब a³ - b³ का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, a³ - b³ का फॉर्मूला खोलना, उससे आपका आंसर जो बनेगा सॉल्व करने पे वो बन जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन बेटा, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आंसर आ रहा है ना, ये सॉल्यूशन देखो, इससे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइन्थ, बिल्कुल एट हम कर चुके हैं, अब नाइन्थ पे आते हैं। व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूसेस टू 50% व्हाइल इट मेक्स 36 रोटेशन। तो देखो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये जब एंगुलर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी है वो अगर यूनिफॉर्म हो तो उसमें अपन ये इक्वेशन काम में लेते हैं। अब केस वन में क्या दिया हुआ है इन्होंने, केस वन में दिया है कि ओमेगा बाई 2, 50% रिड्यूस होना मतलब आधा होना, 2 माइनस अल्फा और कितना रोटेशन कंप्लीट किया 36, है ना। चाहो तो आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर लो, हालांकि इसी कोई दिक्कत नहीं, आंसर अपन को फाइनल भी रोटेशन में निकालना है, ठीक है। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा, 2 अल्फा 36, इसको मैं रोटेशन में रख रहा हूं ना, 2 अल्फा 36 इज ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसी के बाद केस 2 की बात करें, ये बोल रहे हैं कि पूरा रुकने के लिए कितने और चक्कर लगाएगा, है ना। तो कितने और चक्कर लगाएगा, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। अब आधा रुक गया उसके बाद कितने और एक्स्ट्रा चक्कर, तो आधा रुकने के बाद अगले केस की इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, ओमेगा नॉट बाय 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। ये डेल्टा थीटा हमें पता करना है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 अल्फा 36, ओके, और इधर आ जाएगा मेरे पास 2 अल्फा, इस बार सॉरी 3 अल्फा बाय 4 आएगा ना, तो 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 अल्फा 36, जस्ट अ मिनट, इसको लिखेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 इज 2 अल्फा डेल्टा थीटा। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर बन जाएगा, आंसर बनेगा 12। ओके बच्चों, तो ये आपका सिंपल दो इक्वेशन बना के अभी यहां से इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ओमेगा नॉट कटेगा, आपका डेल्टा थीटा निकल जाएगा। ओके बेटा, फिर अगला आता है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज आई, सेम रॉड इज बेंड इनटू रिंग। अब एक रॉड का इनर्शिया क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, क्या होता है बेटा इनर्शिया, आई इज ml² / 12। फिर वो बोल रहे हैं कि इसी रॉड से आपने एक रिंग बना दी, है ना, इस तरह की रॉड को आपने मोड़ के एक रिंग बना दी और उसको आप घुमा रहे हैं डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट आपने घुमाया, तो अब देखो आई डैश क्या आ जाएगा इसमें, m r² / 2। सिंपल मुझे अब यहाँ रिलेशन यूज करना है, l इज 2 pi r, ठीक है, l की वैल्यू यहाँ 2 pi r आप पुट करोगे, आपका आंसर इसमें बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास m/2, l की r की जगह लिखेंगे l/2 pi² तो ये हो जाएगा ml² / 12। 12 अगर मैंने इधर लिखा तो 12 को मल्टीप्लाई भी करूंगा, और इधर कितना आ जाएगा 8 pi² ओके, 2 का स्क्वायर 4 2 8 पाई स्क्वायर, 12 से कट के वापस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा i, तो i देन द रेशियो ऑफ i अपॉन i डैश, तो i अपॉन i डैश कितना आ जाएगा बेटा 8 pi² / 12। तो इस केस में ये अपना आंसर बनेगा, यहां पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2/3 pi² बन जाएगा, है ना, तो ये अपना आंसर बन गया यहां तक। ओके बच्चों, तो ये 10th क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। बच्चों को आते हैं 11th क्वेश्चन पे, इसमें एक ब्लॉक है, इसको दीवार के सहारे से होल्ड करके रखा हुआ है,
देखो अब इसमें mg क्या करेगा, इसको गिराने की कोशिश करेगा, तो ये नहीं फिसल रहा है, इसका मतलब y डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो उस नेट फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन, है ना। अब देखो फोर्स तो दोनों बैलेंस हो गए, लेकिन सेंटर के अबाउट देखें तो सेंटर के अबाउट देखो एफ का टॉर्क जीरो है क्योंकि एफ उस सेंटर से जा रहा है, mg का टॉर्क देखें वो भी जीरो है, लेकिन फ्रिक्शन का तो टॉर्क जीरो नहीं होगा ना। इसका मतलब जो नॉर्मल है वो बजाय ऐसे लगने के, है ना, यहां लगता अगर मान लो टॉर्क नहीं लाना होता तो, लेकिन हमें टॉर्क भी तो बैलेंस करना है, तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल है ना वो नॉर्मल जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ लगेगा। कितना नीचे शिफ्ट होगा वो तो क्या डिपेंड करता है कि कितना उसको रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये नॉर्मल जो है वो थोड़ा शिफ्ट होगा ताकि टॉर्क को बैलेंस कर सके। फोर्स वाइज एफ एस एम जी को बैलेंस करेगा, नॉर्मल एफ को बैलेंस करेगा, एक्स डायरेक्शन के फोर्स आपस में बैलेंस, वाई डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास उसको भी इक्वल करना है। तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क किसका आ रहा है, फ्रिक्शन का, उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसका बैलेंस करेगा, नॉर्मल का। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो मैं इधर पढ़ रहा हूं, एफ इज एम जी बिल्कुल सही बात है, एफ इज नॉर्मल ये भी सही बात है, F will not produce torque ये भी सही बात है, और ये बोल रहा है फोर्थ में N कोई बलागुण उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन करेगा, उसको टॉर्क उत्पन्न करना ही है, तो ये अपना गलत ऑप्शन हो गया। क्या छाटना है इसमें, कौन सा कथन गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट छाटना है, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, गलत है इसीलिए सही है, है ना। अगला आता है 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन बोला है कि सिलेंडर जो रोल डाउन कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना होना चाहिए ताकि ना फिसले, है ना, थीटा और म्यू का रिलेशन बताना। देखो यहाँ जब भी सिलेंडर स्लाइड करता है तो इसमें जो एक्सेलरेशन आता है वो एक्सेलरेशन, देखो अब यहाँ पे फोर्सेस अपन देख लेते हैं, mg sin थीटा इसको स्लाइड करवाना चाहता है, mg cos थीटा जो है वो इसको नॉर्मल क्रिएट करता है, फ्रिक्शन इधर की तरफ लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जो सॉल्व करने से आता है वो तो आप याद ही रखते हैं, जी साइन थीटा, नहीं याद रखते हो तो रख लो बेटा, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है, वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जी साइन थीटा जो है वो इसमें के स्क्वायर कौन सा बेटा, ठोस बेलन यानी कि सॉलिड सिलेंडर, यानी कि इसका के स्क्वायर होता है आर स्क्वायर बाई टू, तो जी साइन थीटा वन प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू, यानी कि टू बाई थ्री जी साइन थीटा, है ना, ये तो एक्सेलरेशन आ गया। अब इससे फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन क्या जाएगा, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, mg sin theta minus of fs is ma, इससे आप a की वैल्यू डालो तो fs कितना आ जाएगा, mg sin theta minus 2 by 3 mg sin theta, ये a की वैल्यू डालने का, तो ये कितना बचेगा, mg by 3 sin theta। अब mg by 3 sin theta फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन देखो हमेशा स्टैटिक टाइप का ही लगना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, तो इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो म्यू एम जी कॉस थीटा से कम होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा हो, क्योंकि इससे ज्यादा मिल नहीं सकता, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग के जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, तो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा यहाँ क्या करना है, आपको फ्रिक्शन की डाल दी सॉल्व करना है, तो इससे आपका क्लियर आंसर जो बनेगा वो बनेगा टेन थीटा लेस देन इक्वल टू थ्री म्यू एस। ओके बच्चों, तो ये नोट करो इसको। अगला आता है 13 में, देखो the angular speed of body changes from omega 1 to omega 2 without applying torque, without applying torque, ये information काम की, torque नहीं लगाया, तो इसका मतलब L initial equals to L final, L क्या होता है, I omega final, है ना। अब इन्होंने बोला कि angular speed को आपने omega 1 से omega 2 change कर दिया, तो omega 1 से आपने क्या किया इसमें, omega 2 कर दिया, due to change in moment of inertia, the ratio of radius of gyration, अब radius of gyration देखो initial और final का, तो इसको मैं बोल देता हूँ mk1 square, मान लो पहले वाला inertia ये था omega 1, इधर लिख दिया mk2 square omega, simple आपके सामने m से m कट जाएगा, k का ratio निकालो, easily बन रहा है ना, बिल्कुल formula based question है भी। next पे आते हैं, a thin uniform rod of length and mass m is swinging freely about the axis passing through its end, the maximum angular speed is omega, center of mass कितनी height तक जाएगा, बिल्कुल ये आसान सा concept, देखो energy conservation का, है ना, यहाँ से हमने इसको release किया और center of mass इतना नीचे आया होगा मान लो, अब center of mass जब नीचे आएगा तो जो भी potential में loss होगा वो कहाँ तक जाएगा बेटा, kinetic energy में convert होगा, तो center of mass के नीचे आने से mgh का जो loss आया वो सारा का सारा convert होगा half I omega square में, okay? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या रखूंगा रोड के लिए, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, सॉरी एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एंड क्या अमाउंट है ना,
ml square by 3 और omega square, इसको आप आराम से h की वैल्यू निकालो, omega square l square by 6 g बन रहा है, m से m कट रहा है, ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है 15, 15 में क्या बोला है, a reel of thread unroll itself falling down under gravity, एक ऐसे रील जैसे एक धागे गिट्टी होते हैं ना, गिट्टी में से ऐसे धागा पकड़ लो फिर वो गिट्टी नीचे गिरती है, तो वैसे ही वहां पे कोई रील है उसमें काफी सारा धागा ऐसे लिपटा हुआ है और ये इस तरह से नीचे गिर रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है बता रहा है। ऐसा मान लो कि 90 डिग्री का इंक्लाइन है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। रील मतलब एक या तो सॉलिड सिलेंडर मान लो, एक डिस्क मान लो, है ना, तो इस केस में जी साइन 90 1 प्लस 1/2, तो सॉल्व करने पे 3/2 2/3 जी, ये आंसर बन जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये भी है ना, यहाँ इनसे अपन ने एक धागे को पकड़ा हुआ है। ओके बच्चों, नोट करो इसको। फिर नेक्स्ट आता है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन बोला है पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका फोर्स गिवन है। अब ये फोर्स देखो, माइनस का मतलब क्या है कि अगर आप रेडियस वेक्टर ऐसे लेते हो ना, तो ये रेडियस वेक्टर जो होगा ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब ये फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है ना। अब इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के अपॉन आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम बी स्क्वायर बाई आर इज के बाई आर स्क्वायर, आर से एक आर कटेगा, तो यहां से मेरे पास आ गया के बाय आर। अब इसमें बोला है एंगुलर मोमेंटम किस तरह से वेरी करेगा, एंगुलर मोमेंटम के लिए मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो v क्या आएगा बेटा, k by m r, ये तो आ गया मेरे पास स्पीड। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है m v r k by m r into r, तो इससे ये क्या आ जाएगा मेरे पास, m k by m r की पावर 1 - 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनल टू रूट आर, तो रूट आर की डिपेंडेंसी, इसका मतलब एल प्रोपोर्शनल टू रूट आर, फर्स्ट ऑप्शन बन गया, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल फोर्स से वी निकालो और एल के वैल्यू में पुट करो। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है 17 में आपको बोला है कि इस तरह से एक रस्सी से हमने एक ऑब्जेक्ट को बांधा हुआ है और आपको कौन सा रिलेशन करेक्ट है बताना है। तो देखो यहां पे अगर ये टेंशन है तो इसका cos थीटा कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, mg को। sin थीटा कंपोनेंट क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, तो t cos थीटा बैलेंसेस mg, फर्स्ट इक्वेशन ये, t sin थीटा प्रोवाइड्स m ओमेगा स्क्वायर r। अब देखो t sin थीटा ओमेगा स्क्वायर, है ना, r को मैं क्या लिख सकता हूं, r जो रेडियस होगी, ये रेडियस तो ये वाली होगी ना बेटा, रेडियस क्या हो जाएगी, एल का साइन थीटा कंपोनेंट, तो एल साइन थीटा, थीटा से थीटा कटेगा, तो टी इज एम ओमेगा स्क्वायर एल। ओके, तो टी इज एम ओमेगा स्क्वायर एल, ये बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये गलत है, टी कॉस थीटा आना चाहिए था, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो फाइनली मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है। ओके बच्चों, 18 की बात करते हैं। 18 में इस तरह से स्फेयर जो है वो फिक्स्ड हैवी स्फेयर, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट फिसल के आता है, मैं मान लेता हूँ ये इतना फिसला होगा, तब जाकर के थीटा एंगल जाने के बाद इसमें मान लो इतना फिसल के जब ये आया और इसने वी स्पीड गेन करी, उस टाइम पे ब्रेक ऑफ हो रहा है, ब्रेक ऑफ हो रहा है, तो देखो इस केस में जिस टाइम पे ब्रेक ऑफ हुआ उसी टाइम पे देखो इसमें क्या क्या लगेंगे, एक तो लगेगा मेरे पास एम जी का कंपोनेंट, यहाँ एम जी है, ये एक कंपोनेंट जरा जाएगा, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा बेटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब इसमें नॉर्मल किधर लगेगा, बाहर की तरफ, तो अब इस केस में जैसे यहां पर हमारे पास इक्वेशन बन रही है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर ये कैसे आ जाएगा, एम जी एच, एच मतलब ये वाली हाइट जितना वो वर्टिकली नीचे आया है, एच को मैं क्या लिखूंगा बेटा, एच को मैं लिखूंगा आर माइनस आर कॉस थीटा इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो ये यहां से मेरे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर बटा आर, ये क्या आएगा एम वी स्क्वायर बटा आर आएगा मेरे पास 2 एम जी 1 माइनस कॉस थीटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां कौन प्रोवाइड करेगा,
mg cos theta minus n provides centripetal force mv square by r. ये mv square by r, और ये value यहाँ डालोगे आप r की, तो यहाँ solve करोगे तो बेटा ये कितना जाएगा, normal कितना करना है, break off का मतलब क्या होता है ना, ये leave the contact का मतलब होता है normal की value zero करना, तो इसमें फिर normal की value को आप zero कर दो, तो mg cos theta minus of zero is mv square by r को क्या लिखोगे आप बेटा, 2mg 1 minus cos theta, ओके ये mg से mg जुड़ेगा, तो इससे आपका आंसर जो cos theta का बनेगा वो बनेगा 2/3. अब cos theta का आंसर 2/3 कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल बना दो यहां पे, राइट एंगल ट्रायंगल, cos theta 2/3 का मतलब बेस 2 हाइपोटेन्यूज 3 और परपेंडिकुलर जाएगा √5, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, sin theta √5/3 ये करेक्ट हो जाएगा इस ट्रायंगल को देख के, मतलब cos theta से बाद में sin theta या tan theta में कन्वर्जन करना था, ओके बच्चों, बच्चों बात है 19 क्वेश्चन पे, इसमें आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टी के बीच में ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ में अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करोगे तो mx + c के हिसाब से कितना हो जाएगा बेटा, at इज स्लोप मतलब कि tan 30 * t, तो ये मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, tan 30 यानी कि 1/√3 सॉरी tan 60, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, tan 60 का मतलब √3t. अब at क्या होता है, at होता है dv/dt is √3t, ओके तो इससे मेरे पास इंटीग्रेशन करने से dv इधर √3t dt, फिर इधर इंटीग्रेशन करूंगा तो v क्या हो जाएगा √3t² / 2, ये हो गया मेरे पास v. अब इसके बाद मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालूंगा तो ac कितना हो जाएगा बेटा v² / r, तो v² / r के हिसाब से देखो इस v का स्क्वायर करोगे तो √3t² / 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r, तो कितना आ जाएगा बेटा √3² / 3t^4 / 4r, ये मेरे पास आ गया ac. इन्होंने क्या पूछा था, टाइम आफ्टर विच टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रेडियल एक्सेलरेशन. देखो अगर मान लो इस तरह से सर्कुलर पाथ बन रहा हो, ये रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन ऐसे कहीं बीच में आएगा, तो ये बोल रहे हैं टोटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का एंगल 30 बनना चाहिए, तो इस ट्रायंगल को देख के देखो आप tan 30 को क्या लिख सकते हो, tan 30 को मैं लिख सकता हूं at / ac, tan 30 कितना होता है 1/√3, at कितना है मेरे पास, at है √3t, ओके at की वैल्यू √3t और ac की वैल्यू, ac कितना है 3t^4 / 4r, ओके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो √3 √3 और ये 3 तो कटेगा, तो फाइनली r की वैल्यू कितना गिवन है इसमें, सर्किल रेडियस वेरीज ऑफ रेडियस वेरीज इन टाइम दिस, ओके तो इस केस में आपको यहां पे r की रेडियस की रिक्वायरमेंट है और रेडियस की यहां पे आपको 1 मीटर गिवन है, तो 1 मीटर के केस में फाइनली ये रेडियस जो है 1 मीटर इसको रखोगे आप, तो रेडियस 1 मीटर के हिसाब से ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां से ये तो गया 1, तो √3 ये पूरा कटेगा, तो ये इतना हो जाएगा 4 t^3, तो t कितना हो जाएगा 4^1/3, तो 4^1/3 यानी कि 2^2/3 आपका ऑप्शन बन जाएगा यहां पे, ओके बच्चों कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है तो ये आपका यहां पे आंसर बन गया, इसमें रेडियस जो है वो 1 मीटर है, ओके बच्चों. नेक्स्ट आता है अपने पास 19 के बाद 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन में आपको आपको बोला है कि बॉब अटैच्ड टू स्ट्रिंग इज हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल एंड रिलीज्ड एज शोन, द ग्राफ बिटवीन टेंशन, ये टेंशन यहां है टेंशन एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अब टेंशन और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बता रहा है, तो देखो यहां से जैसे मान लो कितना एंगल फिसल गया होगा, तो ये मान लो इस केस में टेंशन टी आया होगा, ये इधर mg लग रहा होगा, ये इधर लग रहा होगा mg cos theta, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, ओके अब ये एंगल थीटा, तो ये भी मैं थीटा मान रहा हूं, तो अब इस केस में देखो सबसे पहले तो स्पीड कितनी आएगी, स्पीड आएगी मेरे पास v² = 2gh, ये कहां से आएगी एनर्जी इक्वेशन से, फिर उसके बाद मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखूं, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, सेंटर की तरफ लग रहा टेंशन mg cos थीटा अपोजिट में, तो mg cos थीटा इज
एम वी स्क्वायर बाई आर, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखो टी इज एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट टू जी एच एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर टू जी एच बाई आर की जगह एल। अब यहाँ कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा बेटा, ये जो टोटल लेंथ अगर एल में मान लेता हूँ तो ये टोटल लेंथ एल मानूंगा तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना हो जाएगा एच बाई एल, तो एम जी एच बाई एल ये हो जाएगा टू एम जी एच बाई एल, टोटल कितना आ जाएगा ये आएगा सॉल्व करने पे थ्री एम जी एच बाई एल, तो थ्री एम जी एच बाई एल इसका मतलब टी जो है देखो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके एच के, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पे इजीली आंसर बन रहा है। ओके बच्चों कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। अब इसके बाद अपना सेक्शन आता है इंटीजर वाला, तो इंटीजर वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। A coin placed on rotating turntable slip when it is placed at distance 9 cm। एक ऐसे मान लो घूमती हुई टेबल है ना, अब घूमती हुई टेबल में यहाँ पे हमने कॉइन रख दिया, ये कॉइन जो है वो 9 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ना, तो इसको फिसलने से के लिए कौन जिम्मेदार होता है, बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, बचाता कौन है इसको अंदर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं फिसल रहा है, इसका मतलब म्यू एम जी किसको बैलेंस कर रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर को, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टर्न टेबल इज ट्रिपल, है ना, अब दूसरे केस में आपने एंगुलर स्पीड को ट्रिपल कर दिया तो एम ओमेगा डैश स्क्वायर आर डैश, ठीक है, ओमेगा डैश की इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास थ्री ओमेगा स्क्वायर आर डैश। देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आपने ओमेगा स्क्वायर को 9 टाइम्स किया ना तो इसका मतलब आर डैश 1/9 टाइम्स होगा, तो 9 का 1/9 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके बच्चों फिर नेक्स्ट आता है 2 ए बॉल ऑफ मास एम मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद अनदर बॉल ऑफ मास nm, तो ये एक m मास की बॉल, ये एक nm मास की बॉल, ये v स्पीड से आती है और u स्पीड मान लेते हैं और ये रेस्ट पे है, हेड ऑन कोलिजन करती है तो इसकी स्पीड मान लेते हैं फिर फाइनली कुछ रही होगी v1 और इसकी स्पीड मान लो रही होगी nm वाले की v2। ओके तो अभी बोल रहे हैं कि द फ्रैक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय द फर्स्ट बॉल इज दिस, एक आपको इक्वेशन गिवन है और यहां पे बोला है कि फ्रैक्शनल ट्रांसफर अगर इतना होता है तो उस केस में ये फ्रैक्शनल ट्रांसफर मैक्सिमम कब होगा, तो अब इस केस में देखो आपको ये इक्वेशन जो है ना, मैं एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं, इक्वेशन लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करता है ना, जैसे मान लो सोचो दीवार होती और इलास्टिक कोलिजन होती, दीवार के केस में ऐसा इनफाइनाइट मास हो जाएगा ना फिर तो दीवार अगर होती तब तो वो बिल्कुल पलट जाता, मतलब फिर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होता है ना, सोचो अगर यहाँ ये ऑब्जेक्ट दीवार से टकराता तो उस केस में तो ये यू स्पीड से आता और यू से वापस चला भी जाता, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ। अब दूसरा केस देखो, अगर एक आइडेंटिकल मास होता तो ये सारी स्पीड से इसी को ट्रांसफर कर देता तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में तो मैक्सिमम लॉस हो गया ना, जब दोनों मास आइडेंटिकल और ई की वैल्यू 1 हो तो ये अपनी पूरी स्पीड ट्रांसफर करते दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को। अब इसकी मान लो ये तो रेस्ट पे है ना, जैसे मान लो यू से आया और ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, फिर कोलिजन के बाद क्या होगा, ये तो रुक जाएगा और ये वाला चलेगा यू स्पीड से, तो देखो ओवरऑल इसने अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो ये फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है पूरी की पूरी ट्रांसफर कर देगा, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता ना वो, तो ये फ्रैक्शन 1 कब आ रहा है, ये फ्रैक्शन 1 कब आएगा, एन की वैल्यू में क्रॉस चेक करता हूं तो एन की वैल्यू में 1 रखता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा देखो 4/2π² तो ये फ्रैक्शन मेरे पास एन की वैल्यू 1 पे ही तो आ रहा है, तो ऐसे भी क्रॉस चेक कर लो एन की वैल्यू 1 पे फ्रैक्शन मैक्सिमम आ रहा है तो अपना एक आंसर क्या हो जाएगा n=1। बाकी तरीका तो इसे आप v1 v2 निकालो है ना, मोमेंटम इक्वेशन लगाओ, मोमेंटम इक्वेशन से आपको पहली इक्वेशन मिलेगी, दूसरा आपको e इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन मिलेगी, इससे आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा v1 v2 मिलेगा, फिर आपको बताना है फ्रैक्शनल लॉस, तो फ्रैक्शनल ट्रांसफर कैसे हो जाएगा बेटा, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम v1 स्क्वायर अपॉन हाफ एम u स्क्वायर। अब आपको ये फंक्शन मिलेगा तो ये फंक्शन इस टर्म में आएगा जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसमें देख लो फिर मैक्सिमम करना है उसके लिए फ्रैक्शन को 1 होना चाहिए, उस फैक्टर को 1 कर दो। ओके फिर आपको सॉल्व करना है, तो इस फैक्टर को 1 करोगे ना तो सिंपल, अगर आप क्रॉस चेक नहीं करना चाहते ऐसे कर दो 4n / 1 + n का होल स्क्वायर इज 1,
सॉल्व करो एंट्री वैल्यू वन ही आएगी इसमें। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट बात है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है एलिवेटर कैरिंग चार्ज ऑफ 0.1 कूलम इज मूविंग डाउन विद वेलोसिटी दिस। तो इसकी वेलोसिटी गिवन है, चार्ज गिवन है, पॉइंट ये गिवन है, वेलोसिटी और ये एंगल थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल क्या होता है, मी नॉट अपॉन 4π क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू कितनी रहेगी, 10⁻⁷। क्यू की वैल्यू कितना गिवन है, 0.5 कूलम। वेलोसिटी कितना गिवन है, 5×10⁻³। साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा कितना रहेगा, वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 37। तो साइन 37 कितना होता है, 3/5। ओके ये तो हो गया अपने पास क्यू वी साइन थीटा के लिए अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आएगा बेटा, इन दोनों के बीच में जो आर डिस्टेंस है वो कितना है, 3 और 4 की वजह से बनेगा 5 मीटर में ही। तो स्क्वायर कर दो, सिंपल इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर बन जाएगा माइक्रो टेस्ला में सॉल्व करने पे कितना आएगा, 6 माइक्रो टेस्ला। तो 6 माइक्रो टेस्ला आपको यहाँ पे फील्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए शॉर्ट मैग्नेटिक नीडल इज पिवोटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला। तो एक टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड में इधर मान लेता हूँ, इसमें आपने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा हुआ है। नीडल हमेशा देखो किस तरफ होती है बेटा, नीडल हमेशा जो होती है वो ऐसे आपने यहाँ से इसको पिवोटेड किया हुआ है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से होती है। ओके फिर उसके बाद हम बात करते हैं जब दूसरा केस आ रहा है। दूसरे केस में जब हम बात करें, जब यहाँ पे हमने दूसरा केस लिया हुआ है, तो ये कौन सा केस है मेरे पास, B1 के साथ साथ मैंने एक B2 भी अप्लाई कर दिया। B2 जो है वो √3 टेस्ला है ना, √3 टेस्ला और ये 1 टेस्ला। तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ये आ जाएगा √3/1। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये आएगा 2, और ये जो एंगल आएगा इसका थीटा, वो थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा इज √3/1। इसका ना थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री। तो अब जो नया मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक नीडल जो है वो आएगी। तो B1 और B2 की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इधर आ रहा है, तो इसका मतलब जो नीडल है वो भी किधर आएगी बेटा, मैग्नेटिक नीडल भी इसी तरफ शिफ्ट होगी। तो कितना डिग्री शिफ्ट हुई, पहले 0 जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां से 60 डिग्री शिफ्ट हुई रहे, तो इसका मतलब 60 डिग्री शिफ्ट होगी नीडल इस केस में। ओके बच्चों तो आपका आंसर डिग्री में क्या आ जाएगा, यहां पर 60 डिग्री विल बी योर आंसर। ओके बेटा नेक्स्ट बात है, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस आर बाय 6 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो देखो इस तरह से कोई डिस्क है, इसकी थिकनेस भी आपको गिवन है, इसको इस तरह से हमने रखा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका इनर्शिया बेटा, mr²/2। ओके फिर ये बोल रहे कि इसको हमने मेल्ट किया, रीकास्ट किया सॉलिड स्फीयर में, तो इसका जितना भी वॉल्यूम था उससे सॉलिड स्फीयर बना दिया। सॉलिड स्फीयर बनाया तो उसका इनर्शिया आपको बताना है डायमीटर के अबाउट। मैं मान लेता हूँ आईडी रहा होगा, मास तो जिसका एम था इसका ही मास एम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या कहता है बेटा, पहले का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, फाइनल वॉल्यूम के इक्वल। अब इस स्फीयर की रेडियस को मैं मान लेता हूं आर डैश, कितना हो जाएगा, 4/3 π आर डैश क्यूब। ओके तो इसका मतलब यहां पे मेरे पास पाई से पाई तो ये कट रहा है, ठीक है, तो आर क्यूब विल बी इधर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 4/3 है ना, 3 से ही कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो आ जाएगा 8 r डैश क्यूब। तो इस केस में मेरे पास इक्वेशन से जब आप r डैश निकालोगे तो r डैश कितना आ जाएगा बेटा, r/2 ये आ गया। यहाँ वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा, 2/5 m r² तो 2/5 m आर डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे, r/2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये जाएगा मेरे पास 2/5 mr² / 4, इसका मतलब 1/5 mr² / 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, i/5। तो देखो आई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, i/5। कंपेयर करूँ मैं इसको i/n लिख सकता हूँ, तो n कितना आ जाएगा मेरे पास, 5। तो इसका आंसर n जो बनेगा वो बनेगा 0.5। ओके ओके बच्चों तो ये 5th क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, तो ये अपना यहाँ पे जो मेंस वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है बच्चों। ओके थैंक यू।